हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिट हिंदी में। और इस वक्त मेरे पास है इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो और हम इसे करने वाले हैं अनबॉक्स, देखने वाले हैं इसके साथ क्या क्या हमें मिलने वाला है। उससे पहले इस बॉक्स के बाहर ही देख लेते हैं, इस बॉक्स में हमें क्या क्या बाहर नज़र आ रहा है, क्या क्या फीचर्स इसके हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये 50 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा और 6.6 इंच का इसका डिस्प्ले होगा। 90 हर्ट्ज़ का जो स्मूथ डिस्प्ले है इसमें मिलेगा और 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है। साथ ही मैंने बॉक्स में एक और चीज़ नोट की है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और वो है यहाँ पर, और वो ये है, ये 8 GB LPDDR4X रैम है प्लस 5 GB वर्चुअल रैम आपको भी मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर आपको जो है वो 13 GB तक रैम मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें 5000 mAh बैटरी है और साथ के साथ ये जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर यूनिसॉक T616, ये गेमिंग प्रोसेसर है। अब ये गेमिंग में कैसा है वो तो हम रिव्यू में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसे एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये देखने में कैसा है। बिल्ट एंड डिज़ाइन की बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि ये हल्का फुल्का काम कैसे करता है। तो फिलहाल अभी इसे अनबॉक्स कर लेते हैं हम, और ये हमारे सामने आने वाला है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। ओके, ये है इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो। इसका कलर इसका कलर ब्लूइश है और ब्लूइश टोन में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जो सबसे ज़्यादा मेरे को चीज़ ने अट्रैक्ट किया फ़ोन के देखते ही, और वो है इसके कैमरा। इसका कैमरा मॉड्यूल है वो बहुत बड़ा है और आपको देखने में लगेगा कि ये मतलब जो कैमरा इसका है वो काफ़ी अच्छा है। 50 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है जो प्राइमरी कैमरा है। अब देख लेते हैं कि इसके अलावा इसमें और क्या क्या है। इसको एक बार ऑन कर लेते हैं पहले, इसमें थोड़े से बबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसे हम बाद में हटा देंगे। ये ऑन हो रहा है, जब तक ये ऑन होता है इसको साइड पर रख लेते हैं और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिल रहा है। बॉक्स को खोल लेते हैं और ये है इसका 18 वॉट का चार्जर है, ये है इसकी केबल और साथ में है इसका ये पिन है, सिम इजेक्टर पिन टूल है। और हम ये सिम इजेक्टर टूल को साइड पे रख लेते हैं क्योंकि हम इसे अभी यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या है। और ये इसकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इसका यूज़र मैनुअल और साथ के साथ इसका गारंटी कार्ड होता है। और ये है इसका वेलकम टू एक्स क्लब, जहां पर आप एक्स क्लब के मेंबर बन जाते हैं इन्फिनिक्स के, और इसको भी साथ में रख लेते हैं। ये हमारे को ये सब चीज़ें मिल रही हैं और ये है, और इसके अलावा ये सब चीज़ें हैं तो हम इन सब चीज़ों को साइड पर रख लेते हैं। और एक और चीज़ आपको इसमें मिल रही है वो है इसका TPU केस जो ट्रांसपेरेंट है, जो इसकी खूबसूरती को कम नहीं करेगा। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो XOS 10.6.0 है जो कि इन्फिनिक्स का ही अपना है, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये आप हम इसे चलाकर देख सकते हैं। अलाउ XOS लॉन्चर टू एक्सेस योर कैलेंडर, ठीक है, अलाउ। और यहाँ आपको बहुत सारी ऐप्स मिल रही हैं, एक्स एरिना, एक्स क्लब, एक्स शेयर मिनी, एक्स थीम, यो पार्टी। यो पार्टी बाय द वे एक ऐसा ऐप है जो इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में आता है, इन्फिनिक्स के दूसरे फ़ोन्स में इसे कनेक्ट करके, और आप एक ही सॉन्ग एक साथ चला सकते हैं खूब सारे फ़ोन्स में। इसमें आहा गेम्स, AI, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम एक बार ओपन कर लेते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो जो है एंड्रॉयड वर्जन 12 पर है, और इसका CPU है यूनिसॉक का T616, और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप है, और 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है, 5000 mAh बैटरी है। यहाँ पर स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन दिखाया गया है वो है 720x1612 pixels, और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ई वारंटी कार्ड भी आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, आपको जो अपना सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, यानी कि आपकी हार्ड कॉपी आप उसे अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक बार बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करूं तो इसको एक बार मैं पहले उतार दूंगा, मेड इन इंडिया,
इसको हम उतार देते हैं। और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो फिनिश है एक तरीके का, ये प्लास्टिक कवर है ये। और यहाँ पर आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ये इसका ड्यूल कैम सेटअप है। और यहाँ पर आपको एक लगता है कि ये कैमरा मॉड्यूल है, इसके अंदर ये कैमरा सेंसर है, लेकिन कैमरा सेंसर नहीं है, आपको ये ड्यूल फ्लैश भी मिल जाती है। और ये फ्रंट साइड इसका आपका कैमरा है, और आपके जो बटन्स हैं, वॉल्यूम रॉकर है, और ये आपका जो बटन है इसको ऑन ऑफ करने का, वो दोनों के दोनों राइट साइड हैं। यहाँ पर अगर हम एक बार नीचे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा इसका टाइप सी कनेक्टर है, साथ में 3.5 mm जैक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको माइक दिखेगा, और ये इसका स्पीकर ग्रिल है। और इसके ऊपर यहाँ आपको एकदम क्लीन नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और इसके राइट साइड में इसके बटन्स हैं, इसके लेफ़्ट साइड में इसका यहाँ पर सिम ट्रे है। हम एक बार सिम ट्रे को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ मैं सिम ट्रे को एक बार ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि इस सिम ट्रे में हमें क्या क्या मिल रहा है। और ये हाँ, तो ये सिम ट्रे जो है, इसमें जो चीज़ हमें नॉर्मली चाहिए होती है वो ये कि हम दो सिम कार्ड भी लगा सकते हैं, और साथ के साथ हम एक माइक्रो एसडी कार्ड भी रख सकते हैं, तो दोनों एक साथ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैमरा जो है, हम ये कैमरा रिव्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार कैमरा देख लेते हैं इसका, कि इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन है, वीडियो बना सकते हैं, एआई कैम भी है। इसके अलावा इसमें ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड और सुपर नाइट मोड भी है, जहाँ पर आप अपना वीडियो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और ये इसका एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अल्ट्रा एचडी भी है, इससे पैनोरामा, सुपर नाइट मोड, इसके अलावा डॉक्यूमेंट स्लो मोशन, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं इसके अंदर, आप टाइम लैप्स भी बना सकते हैं। और हम एक बार इसका देख लेते हैं कि इसकी कैमरा की क्वालिटी कैसी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार फ़ोटो एक खींच के देख लेते हैं जिसमें कि कैमरा इतना। और ये इसको जूम करके देख लेते हैं, जो टेक्स्ट है वो कैसा दिख रहा है, हल्का सा ब्लरी दिख रहा है जो कि लाइट ना होने की वजह से। बाकी हाँ, इसकी कैमरा क्वालिटी अभी फ़िलहाल ठीक लग रही है ये। इसके अलावा अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, हम बहुत जल्द अपने इस फ़ोन के रिव्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।